महाराष्ट्र कैडर की विवादित ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर को तत्काल प्रभाव से भारतीय प्रशासनिक सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। महाराष्ट्र के पुणे में ड्यूटी पर रही ट्रेनी आईएएस अफसर पूजा खेडकर अपने यूपीएससी सिलेक्शन में फर्जीवाड़े को लेकर विवादों में थीं। उन पर यूपीएससी सीएससी 2022 एग्जाम में शामिल होने की अपनी व्यक्तिगत जानकारी और डिसेबिलिटी को लेकर गलत जानकारी देने का आरोप था, जिसकी जांच के बाद भारतीय प्रशासनिक सेवा ने उनके खिलाफ एक्शन लिया था, जिसके बाद से ही कयास लगने लग गए थे कि उन्हें परमानेंट सर्विस से टर्मिनेट किया जा सकता है। लिहाजा अब उनके खिलाफ केंद्र सरकार ने भी एक्शन लेते हुए उन्हें बतौर आईएएस अधिकारी की सेवा से बर्खास्त कर दिया है। इस मामले में कुछ दिन पहले ही पूजा खेडकर की ओर से दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। पूजा खेडकर ने अपनी याचिका में दिल्ली हाई कोर्ट से सिविल सर्विसेज एग्जाम के उनके 12 अटेम्प्ट्स में से 7 अटेम्प्ट्स को नजरअंदाज करने की अपील की थी। पूजा खेडकर ने कोर्ट में दावा किया था कि उनके घुटने में समस्या है, ऐसे में उन्हें दिव्यांग की श्रेणी में मौके मिलने चाहिए थे। उन्होंने 47% दिव्यांगता का दावा किया था। नियमों के मुताबिक सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए डिसेबिलिटी का बेंचमार्क 40% है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर पूजा खेडकर कैसे विवादों में आईं और कैसे उन पर कार्रवाई की ऐसी गाज गिरी कि उन्हें आईएएस जैसे प्रतिष्ठित पद से ही हाथ धोना पड़ गया। पूजा खेडकर ने 2022 में सीएससी की परीक्षा पास की थी। उन्होंने विकलांगता का सर्टिफिकेट और ओबीसी सर्टिफिकेट भी लगाया था, लेकिन वो मेडिकल जांच के लिए पहुंची ही नहीं, उल्टा सीएससी एग्जाम कराने वाली यूपीएससी से ही उलझ गई थी। इसके बाद ये मामला सीएटी यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल तक पहुंचा। फरवरी में कैट ने आदेश दिया कि आप अपना मेडिकल परीक्षण एम्स में करवाएं, जिससे ये साफ हो पाएगा कि आपको विकलांगता कैटेगरी में मिलने वाला लाभ मिल सकता है या नहीं, लेकिन वो वहां भी नहीं पहुंची। अंत में वो एक प्राइवेट क्लिनिक में एमआरआई करवा कर रिपोर्ट जमा कर गईं। इतना ही नहीं, क्रीमी लेयर में होने के बावजूद उन्होंने नॉन क्रीमी लेयर का लाभ उठाया था। पूजा खेडकर महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के पाथर्डी तहसील से ताल्लुक रखने वाले नौकरशाहों और राजनेताओं के परिवार से आती हैं। उनके पिता दिलीप राव खेडकर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के रिटायर्ड अधिकारी हैं। उनके दादा भी एक सीनियर ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं। उनके पिता दिलीप राव ने 2024 के लोकसभा चुनाव में वंचित बहुजन अघाड़ी के उम्मीदवार के तौर पर पर्चा दाखिल किया था, जबकि पूजा खेडकर की माँ भालगांव की सरपंच हैं। ये उनका पुश्तैनी गांव भी है। पूजा ने एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी की थी, कई बार संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा भी दी और कथित तौर से 2019 में भारतीय राजस्व सेवा के लिए चयनित हुई थी। साल 2022 में उन्हें डिसेबिलिटी की श्रेणी में रहने के कारण बहुत निचली रैंक मिलते हुए भी उनका चयन आईएएस अधिकारी के तौर पर किया गया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें NBT ऑनलाइन के साथ।